गई दशरथ के घर में बर्बादी के बीमारी। मिल गई मौका सुमारी, करा अपने बदला के तैयारी। ऊ घर के सबसे कमजोर कड़ी, ऊ घर के छुटकी पतोहु बिया। सुमारी घुस जाओ घर में और लगाता सेंध। दीदी प्लीज अब आप भी कुछ करी, घर में सब हमरा से नाराज बाड़ी, क्यों हमरा से बात नहीं की करत, लेकिन हम का करी, बचपन से केहू हमरा के घर में खाना बनावे ना सीखेले और ना ही कोनो घर के काम, काहे के घर के सारा काम करे खातिर नौकर चाकर रहेले। अरे पगली, जब खाना बनावे के ना आवत रहे तो बतावे के चाहत रहे ना, हम खड़ा होके सब बनवा देले रहती। हाँ, डर और संकोच से हम केहू के कुछ ना बतावनी, लेकिन दीदी हमरा के समझ में आ गई कि औरत के सबसे बड़ा धन ओकर दौलत ना, ओकर परिवार और चूल्हा चौका संभाले वाला, संस्कार और चूल्हा चौका होवेले। प्लीज दीदी एक बार प्लीज आप संभाल ली, आगे से हम सीखे के कोशिश करब। अच्छा ठीक बा, हम सब क्यों के ना समझौला के कोशिश करब, अब तू रोवा मत। देवर जी अब रउआ काहे ऐसे उदास होके बैठल बानी। तो का करी भाभी, आज पहला बार अपना वजह से माई बाबूजी के चेहरा उदास देखनी। हम नहीं के चाहता नहीं कि हमरा वजह से उनका सर कबू झुके, लेकिन प्लीज सिर्फ एक बार, बस एक बार हमरा के मौका दी, हम आपसे वादा कर रहे थे हम घर के सब काम अच्छा से करब, प्लीज एक बार मौका दी ही। अब ऐसे का देख रहल बानी देवर जी। देवरानी जी सीखे के चाहतानी तो एक मौका तो देवे के पड़ी ना। रह गईल बात सिखावे के, तो हम अपन देवरानी जी के खाना बनावे के सारा हुनर सिखा देब, और देवरानी जी हमरा के अंग्रेजी बोलल सिखा दिए, ऐसे देवरानी जी के खाना बनावल भी आ जाई और हमरा के अंग्रेजी बोलल। बोला मंजूर बा? मंजूर बा, हम आपके सारा अंग्रेजी बोलना सिखा दे और आप हम की खाना बनाना सिखा दी। अरे लेकिन माई बाबूजी के क्या समझाई? का देवर जी, माई बाबूजी के हम बहुत अच्छे से जानतानी, जितना जल्दी वो लोग रिसिया ले ना उसे जल्दी मान भी जाले। अभी काम करी, चली हमरा साथे। आई आई दीदी, थैंक यू। थैंक यू वैंक यू की जरूरत नहीं है, हम बानी ना। अब ऐसे का बैठल बानी, चली आई हमरा साथे। बाबूजी, देवरानी जी बहुत रोवत आड़ी और अपना गलती के पश्चाताप करत आड़ी, और देखी ना देवर जी भी कितना उदास बाड़न। तो हम का करी? माफ कर दी बाबूजी, और एक मौका दे दी, देवरानी जी खाना बनावे के सीखे के चाहत आड़ी और एक दिन सबसे बढ़िया खाना बनावे के वादा करत बाड़ी। बाबूजी गलती तो सब केहू से होला, आखिर वो हमनी के घर की छोट बहू बानी और हमनी सबके भी फर्ज बनेला कि उनके एक मौका देवे के चाही, और अगर कौनो कमी बा तो हमनी सब मिल के सुधार करे के चाही ना। बहू तारा के विश्वास बा कि खाना में बिगड़ल हाथ इतना जल्दी सुधर जाई? हाँ बाबूजी, जो ना जज्बा और भरोसा के साथ में वादा कहले बाड़ी, हमरा के पूरा भरोसा बा, बाकी हम बानी ना हम सिखा देब देवरानी जी के। राम, हाँ, तू का कहत रह? बाबूजी, जानकी के बात से हम सहमत बनी, और वैसे भी बाबूजी संजना भी हमने के परिवार के वो अहम अंग बाड़ी, शरीर से कोई भी अंग अगर अलग हो जाए तो शरीर कोनो काम का ना रहेला, संजना के वो मौका देवे के चाहिए। ओकरा से पहले हमके एक बार लखन से पूछ लेवे के चाहिए। बोला बेटा, तू का चाहता रहा?
ओकरा से का वादा करके आयल बाड़ा? हम वादा ना, विनती करे आयल बानी। हम के संजना पे ना, रवा लोग पे भरोसा बा। अगर रवा लोग चाहें ता, संजना के ही घर के लायक बना दे। ठीक बालकन, एक मौका देत बानी, लेकिन एक शर्त पे कि हम उन्हें इनके फिर बुलाई खाए खातिर, और ए बेरिया उन्हें के उंगली दिखा के ना उंगली चाट के जाए के चाहिए, बुझ गए ला? अब बहू के समझा दियो। ठीक बाबा पूछी। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।